बहुत से पावर पॉइंट के यूज़र का कहना होता है कि कैसे हम पावर पॉइंट पीपीटी के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप अपनी पावर पॉइंट पीपीटी के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं तो जब आप पीपीटी को रन करेंगे तो ये काफ़ी इफेक्टली तरीके से आपकी पीपीटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका यूज कैसे किया जाता है पावर पॉइंट के अंदर, कैसे इस इफेक्ट को डाला जाता है, कैसे पर्टिकुलर इफेक्ट में साउंड लगाया जाता है, अगर ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हमारी एक पीपीटी ओपन है, हम इस पीपीटी के अंदर एक ट्रांजिशन इफेक्ट देंगे। तो सिंपल सा हम ट्रांजिशन मेन्यूवर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप स्विच पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी इफेक्ट आपको और मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने का एक तरीका होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ पहले ही, ये ट्रांजिशन इफेक्ट टेक्स्ट पर काम नहीं करते। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक ट्रांजिशन इफेक्ट दूँगा, तो ये केवल पेजेस पर काम कर रहा है, ना कि टेक्स्ट पर, है ना। अगर हमें टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाना है तो हम एनिमेशन लगाएंगे, तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी बात कर रहे हैं हम ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में, है ना। तो सिंपल सा मैं एक पेज ले लेता हूँ फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट देनी है, मुझे देनी है यहाँ पर फेड की। मैं फेड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फेड पर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको साउंड देना है फेड का, है ना। तो यहाँ पर राइट साइड में साउंड मिलेगा, तो आप साउंड यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर एरो है, बॉम है, तो बॉम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैं फेड पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर साउंड आ जाए, है ना। अब दोस्तों यहाँ से हमने साउंड ले लिया, अब यहाँ पर ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन में ये पूछ रहा है कि स्लाइड का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन में स्लाइड इफेक्ट करे, है ना। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक। दूसरी बात, अगर आप रन करेंगे स्लाइड को तो यहाँ पर आपको माउस से क्लिक करना है या ऑटोमेटिकली, तो मैं अभी आपको माउस से क्लिक करना ही बता रहा हूँ। जैसे ही माउस पे क्लिक करूँगा स्लाइड नेक्स्ट आ जाएगी, फिर से माउस पे क्लिक करूँ नेक्स्ट स्लाइड आएगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप माउस के द्वारा स्लाइड आती चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इफेक्ट दे दिया, दूसरा इफेक्ट भी दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं ये इफेक्ट दे देता हूँ दूसरा, और यहाँ पर ये वाला साउंड लगा देता हूँ, सॉरी मैं ये लगा देता हूँ। थर्ड में ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर फ्लैश लगा देता हूँ, ठीक है। थर्ड में ये साउंड ले लेता हूँ, एंड फोर्थ में मैं ये इफेक्ट लगा लेता हूँ, है ना, और यहाँ पर इस साउंड को लगा देता हूँ। एंड फिफ्थ में मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर इस साउंड को लगा देता हूँ, सॉरी, एंड यहाँ पर साउंड लगा दिया मैंने, ये ले लेता हूँ, ठीक है। एंड हैमर लगा लेता हूँ यहाँ पर साउंड में, ठीक। तो यहाँ पर आप यहाँ से डार्डी प्रीव्यू देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी देखना नहीं चाह रहा ये वन सिलेक्ट का, हम मुझे पूरी सिलेक्ट का देखना है जो अभी इसमें है, केवल फाइव पे मैंने जो इफेक्ट दिया है, है ना। तो यहाँ पर हम माउस के द्वारा ही क्लिक करेंगे, ठीक है, और स्लाइड नेक्स्ट आती जाएगी। दोस्तों आपको स्लाइड रन करने के लिए शॉर्ट की यूज़ करना है, F5 की, या फिर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए फर्स्ट स्लाइड आई विथ साउंड। मैं माउस का फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए सेकंड स्लाइड आ गई। एंड मैं फिर से क्लिक करता हूँ, थर्ड स्लाइड आ गई। एंड मैं फिर से क्लिक करता हूँ, फोर्थ स्लाइड आ गई। एंड मैं यहाँ एक और क्लिक करता हूँ, फिफ्थ स्लाइड आ गई। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी, और मैं आपको बता दूँ यहाँ मैंने माउस के क्लिक करने पर ही नेक्स्ट स्लाइड ली, स्टेप बाई स्टेप, है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर माउस के द्वारा बता दिया, जब भी आप माउस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, है ना, ट्रांजिशन इफेक्टिव विद साउंड। अब दोस्तों आप चाहते हो कि मैं एक टाइम लिमिट लगा दूं, इस ड्यूरेशन में नेक्स्ट स्लाइड आए ऑटोमेटिकली। क्या होता है, जब भी हम पीपीटी को प्रेजेंट करते हैं स्कूल में या ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, तो वहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन लगाते हैं। टाइम ड्यूरेशन से ये होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली उस टाइम पर पीपीटी का वो पर्टिकुलर पेज आ जाए, यानी कि स्लाइड आ जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ इफेक्ट ले लेता हूँ शुरुआत से ही। तो पहला इसलिए ले लेता हूँ, फ्रेट का ले लेता हूँ, और इसमें साउंड डाल देता हूँ, ये बॉम वाला। सेकंड ले लेता हूँ, इसमें मैं यहाँ पर इफेक्ट ले लेता हूँ ये, और साउंड डाल देता हूँ ये। थर्ड में मैं ये ले लेता हूँ और साउंड डाल देता हूँ ये। फोर्थ में ये ले लेता हूँ एंड साउंड इफेक्ट ये ले लेते हैं और साउंड डाल लेते हैं ये, ठीक है। एंड फिफ्थ ले लेते हैं यहाँ पर इस स्लाइड, और इसका यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट ले लेते हैं ये, और यहाँ पर इसको ले लेते हैं साउंड को, ठीक। तो डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन हम यही रखेंगे इफेक्ट की, इसमें हम चेंजेस नहीं कर रहे,
ठीक। तो फर्स्ट स्लाइड आपकी कितने सेकंड बाद आए, मैं यहाँ पर सेकंड रख देता हूँ, यहाँ पर 3 सेकंड बाद, ठीक है। सेकंड आए आपकी, सेकंड यहाँ पर रहे 5th, एंड थर्ड आए यहाँ पर, यहाँ पर 7 सेकंड में, 8th आए यहाँ पर 2 सेकंड में, और लास्ट में ये स्लाइड आ जाए, है ना, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10 सेकंड में। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर टाइमिंग दे दी हर स्लाइड की आने की, है ना। तो इजी है, कुछ नहीं करना आप। अब दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने स्लाइड रन करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड के लिए माउस के द्वारा क्लिक किया था, तब नेक्स्ट स्लाइड आ रही थी। यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, मैं केवल यहाँ पर पीपीटी को रन करूँगा, जो मैंने टाइमिंग सेट की है नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर से हम रन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिस टाइमिंग पे मैंने डाली है पर्टिकुलर पेज की स्लाइड, वो उस टाइमिंग पर शो हो रही है ना। तो यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, जब भी आप पीपीटी प्रेजेंट करेंगे स्कूल में या अदर प्लेसेस पे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए अपना, तो वहाँ पर ये ऑप्शन काफ़ी आपके काम आएगा। इसको आप सीखिए, अगर कोई क्वेश्चन बनता है आप हमसे पूछिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।